हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं अमित। दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। 2020 आपके लिए नए अवसरों से भरा हुआ हो, यही मेरी ईश्वर से कामना है। आज मैं आपके लिए बहुत अच्छी टेक न्यूज लाया हूं। आज मैं आपको जियो मार्ट और शाओमी की नई सीरीज MI 10 के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो के बीच में एक क्वेश्चन पूछूंगा और अगर आपने सही उत्तर दिया तो मैं आपका नाम अपने अगले वीडियो में जरूर लूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फनटेक बडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं देश की नई दुकान जियो मार्ट से। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर जियो मार्ट की स्थापना की है। ये अभी पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सिर्फ नवी मुंबई, थाने और कल्याण में शुरू की गई है। इसके बाद इसको पूरे भारत में एक्सपेंड किया जाएगा। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने इस प्रोजेक्ट के बारे में पिछले साल घोषणा की थी। कंपनी ने टारगेट रखा है कि 3 करोड़ ऑफलाइन रिटेलर्स के साथ 20 करोड़ हाउसहोल्ड को कवर किया जा सके। रिटेलर्स के साथ इन्होंने रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर दी है। इसमें इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में करीब 50,000 ग्रोसरी आइटम्स को इंक्लूड किया है। शुरुआत में ये फ्री होम डिलीवरी, नो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, नो क्वेश्चन फॉर रिटर्न एंड एक्सप्रेस डिलीवरी ऑफर करेंगे। इन कस्टमर बेनिफिट से ये अपने आप को इस मार्केट में एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब तो ये समय ही बताएगा कि ये ग्रोफर्स, अमेजॉन और फ्लिपकार्ट के बीच में अपने आप को कैसे स्थापित करते हैं। अब आपके लिए आज का प्रश्न, रिलायंस का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस का नाम बताइए। अगर आपने कमेंट करके बिल्कुल सही उत्तर दिया तो मैं आपका नाम अगले वीडियो में जरूर लूंगा। अब हम बात करते हैं शाओमी की नई सीरीज MI 10 के बारे में। शाओमी अपने फ्लैगशिप फोन को जल्द ही मार्केट में लॉन्च करने वाला है। इसके कुछ फीचर्स लीक हुए हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। MI 10 सीरीज 5G कनेक्टिविटी को सपोर्ट करता है। इसमें क्वालकम स्नैपड्रैगन 865 SoC प्रोसेसर उपलब्ध होगा। ये चिपसेट क्वालकम का सबसे जबरदस्त चिपसेट है। ये फोन 3 वेरिएंट्स में लॉन्च होगा। इसका पहला वेरिएंट 8GB रैम प्लस 128GB इंटरनल स्टोरेज, दूसरा वेरिएंट 8GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, तीसरा वेरिएंट 12GB रैम प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ होगा। इसमें 6.5 इंच की OLED डिस्प्ले होगी 90Hz की रिफ्रेश रेट के साथ। ये फोन क्वाड रियर कैमरा सेटअप के साथ उपलब्ध होगा। इसका प्राइमरी कैमरा 30x डिजिटल जूम के साथ होगा। ये फोन 4500mAh बैटरी के साथ उपलब्ध होगा, जिसमें ट्रिपल फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी होगी। ये फोन NFC को सपोर्ट करेगा। इसका बेस प्राइस लगभग 32,000 होगा और टॉप प्राइस करीब 46,000 का होगा। ये थी आज की टेक न्यूज और आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके मेरे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।